वेलकम स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सो इन दिस सेशन वी डू द एक्सरसाइज 3.3 रिमेनिंग सम्स एंड लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 ऑफ स्टैंडर्ड 7th मैथ। So question number 1, I have already solved that, but again we see question 1, use the bar graph to answer the following questions। यहाँ पे bar graph आपको book में ऐसा बना के दिया हुआ है और उस पर से आपको questions के answer देने। question ये है, which is the most popular pet, and question B is how many students have a dog pet। तो most popular यानी सबसे लंबा graph किसका है, bar किसका है, तो सबसे लंबा बार कैट का है, तो कैट इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। एंड डॉग में अगर देखें तो डॉग का बार जो है कितने नंबर तक जा रहा है, तो डॉग का बार 8 नंबर तक जा रहा है, तो 8 स्टूडेंट हैव ए डॉग एज ए पेट। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ द बुक सोल्ड बाय ए बुक स्टोर ड्यूरिंग 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे बार ग्राफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ द बुक्स दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर एक 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स का स्केल दिया हुआ है, 100, 200, 300, 400, 500, 600, फिर 1989, 1990, 1991, 1992, 1993। अब क्वेश्चन ये है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989 एंड 1990 एंड 1992। सो आंसर, अगर हम 1989 की बात करें तो अबाउट 1989 में अबाउट 180 बुक सोल्ड होती है, और फिर 1990 की बात करें तो इन 1990 475 बुक्स जो है अप्रोक्सीमेटली सोल्ड होती है। यहाँ पर एक गेसिंग ही है क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट नहीं दिया हुआ इसलिए। और उसके बाद 1992 में अगर बात करें तो 225 बुक्स ये सोल्ड होती है, सो वे आर सोल्ड। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वे आर अबाउट 475 बुक सोल्ड, अबाउट 225 बुक सोल्ड। सो अगर हम 475 की देखें तो ये नियर बाय किसके होगा, 500, तो नियर बाय 500 कौन है, 1990। सो इन 1990 अबाउट 475 बुक्स वेयर सोल्ड, एंड इन 225 की अगर बात किया जाए तो 225 मतलब ये क्या होगा, 300 से डाउन होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 1992 है, सो इन 1992 अबाउट 225 बुक्स वेयर सोल्ड। यहाँ पर एग्जैक्टली बुक्स कितनी हुई है उसको बताने की जरूरत नहीं, बट अबाउट बोला है यानी कि उसके नियर बाई आपको फाइंड करा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, इन विच ईयर वेयर फ्यूअर देन द 250 बुक्स। अभी आपको अभी आपने किया कि कौन से ईयर में 250 बुक्स के लमसम जो है बुक्स सोल्ड हुई है, तो 1989 एंड 1992, इन दोनों ईयर्स ऐसे हैं कि यहाँ पर 250 बुक्स के अबाउट जो है बुक सोल्ड हुई है, नियर बाई है। सो बाय रीडिंग द कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ द बुक सोल्ड इन 1989। तो अगर 1989 में अगर आप बताते हो कितनी बुक्स है तो कैसे आप बता सकते हो, सो बाय रीडिंग द ग्राफ वी कैलकुलेट दैट 180 बुक्स वेयर सोल्ड इन 1989। यानी हमने ये बार ग्राफ को रीडिंग किया तो उसमें ये हमको जानने को मिला, बिकॉज इस स्केल और उसको डिवाइड करके हमने एक अज्यूम किया है। सो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें कि नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेस आर गिवन बिलो, रिप्रेजेंट द डेटा ऑन द बार ग्राफ, क्लास 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10। नंबर ऑफ द चिल्ड्रन 5th में 135 स्टूडेंट हैं, 6th में 120 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। हाउ वुड यू चूज ए स्केल, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अगर ग्राफ क्रिएट करते हो तो कैसे आप चूज करोगे। सेकेंड थिंग, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस दिए हैं, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द चिल्ड्रन एंड मिनिमम, एंड सेकेंड इज फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 6 टू क्लास टू द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 8। सो स्केल अगर हम बात करें तो स्केल देखो, इसमें हाईएस्ट मैक्सिमम नंबर कितना है, तो अगर मैक्सिमम नंबर देखते हो तो 135 है। 135 अगर आपको कवर करना है तो 1 यूनिट इक्वल टू 25 अगर लेते हो तो आप आराम से
135 को कवर कर सकते हो, क्योंकि 135 यानी कि 135 है, अगर 25 का टेबल पढ़ते हो तो आपको 25 का टेबल कवर करने पे आप आराम से कर सकते हो। या तो फिर 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इक्वल टू 10 सेंटीमीटर भी लिया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पर हम 25 चिल्ड्रन की जगह हम इसको कर देते हैं 10, क्योंकि हमने 10 लेके किया है। सो 1 स्क्वेयर इक्वल टू 10 चिल्ड्रन। तो आप यहाँ पे 135 यानी 13 और 14 स्टूडेंट का एक स्केल बनाओगे, यानी 14 सेंटीमीटर ही आपको लेना पड़ेगा। फिर क्लास वाइज जाते हैं, क्लास वाइज में अगर 5th में 135 है तो 135 मतलब क्या हुआ, 130 और 40 के एकदम मिडल में, बीचों बीच में। फिर 120 है तो 120 सीधे सीधे आ सकता है। फिर 7th नंबर है, यहाँ पर 7th नंबर आप देख सकते हो कि 7th नंबर जो है वो क्या हो रहा है, 95 यानी 7th क्लास में 95 है, यानी 100 और 90 के बीच में आएगा। 8th क्लास में 100 यानी एग्जैक्टली 100 के सामने। 9th में 90 है, 10th में कितना है, 80 है। तो आप इस तरह से ऐसे ग्राफ बना सकते हो। आपको ये क्लास ग्राफ बनाने के लिए रिफ़र कर सकते हो आराम से, स्केल लेके अगर आप ये मेज़र करोगे तो देखोगे कि ये 130 के एकदम ये स्ट्रेट में जा रहा है। तो 130 से अगर आप देखो तो 130 तो नीचे ही आ रहा है ना, हमारा ये 140 और 130 के बीच में है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। ये याद रखना है कि इसका फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। चलो बी में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मिनिमम और मैक्सिमम पूछा है। तो मैक्सिमम चिल्ड्रन कौन से क्लास में है, तो दिख रहा है 5th में है, और मिनिमम स्टूडेंट यानी सबसे छोटा बार ग्राफ किसका है, तो ये रहा। सो 5th क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द चिल्ड्रन एंड 10th क्लास हैज़ ए मिनिमम नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। ये दोनों हो गया, 10th क्लास में हो गया और 5th क्लास में। और रेशियो अगर हमको फाइंड करना है तो रेशियो किसका फाइंड करना था आपको, 6th क्लास का और 8th क्लास का ना। तो 6th और 8th क्लास का अगर रेशियो फाइंड करते हो तो सबसे पहले 6th क्लास में है कितने, 6th क्लास में अगर हम रेशियो यहाँ पे ये मैंने इक्वल करके दे दिया, ब्लैंक रखा है क्योंकि आपको लिख करके दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे करना है। सो सबसे पहले 6th क्लास पूछा है और फिर पीछे 8th बोला है, तो 6th को पहले ऊपर लिखते हैं, कितना 120, और 8th कितने हैं, 8th में 100 है। अब अगर देखो तो ये दोनों 6 के, ये दोनों जो है किसके टेबल में आता है, तो 10 के, 10 का टेबल 12 टाइम और 10 का टेबल 10 टाइम। अगेन ये किसके टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में, 2 6 जा और 2 5 जा, तो आपका रेशियो कितना आया, 6:5 का। तो इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर नहीं हुआ है तो आपको फिर से बता दें कि सबसे पहले 6 की क्लास में 120 लिखा, फिर 8 की क्लास में 100 लिखा, आप इसको कट करो, 0 से 0 पहले कट गया, दोनों 6 के टेबल में, 2 के टेबल में आता है, 2 6 जा, यहाँ पर यहाँ 120, यहाँ पर 100, वन ट्वेंटी नीचे 100, 0 से 0 कट गया, 6 के 2 के टेबल में 2 6 जा एंड 2 5 जा। तो इस तरह से 6 और 5 का रेशियो आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम आते हैं तो ये दिया है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड द सेकेंड टर्म इज गिवन। यहाँ पे फर्स्ट टर्म का परफॉर्मेंस और सेकेंड टर्म का परफॉर्मेंस दिया हुआ है। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ चूसिंग द एप्रोप्रिएट स्केल एंड द आंसर द फॉलोइंग, इन विच स्टूडेंट्स सॉरी इन विच सब्जेक्ट्स हैज द चाइल्ड इम्प्रूवड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। कौन से सब्जेक्ट में चाइल्ड का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, और सब किस में सबसे कम हुआ हैज़ द परफॉर्मेंस गोन डाउन इन द एनी सब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन को डायरेक्ट यहाँ पे बार ग्राफ और ये सब बनाए बिना भी सोल्व किया जा सकता है। बट आपको एक और चीज़ बता रहे, वाई वी आर डूइंग द ग्राफ और ये कुछ भी हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ वाइज, क्यों? जैसे अगर मैं आपको कहीं जाने का रास्ता बताऊं, लाइक अगर आपको यहाँ से पूछा, जब कोई पूछे कि यहाँ से लाभा जाना हो तो कैसे जा सकते हैं, तो आप बताओ कि यहाँ से स्ट्रेट जाओ, फिर वहाँ से राइट टर्न ले लो, फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न ले लो, आगे जाके 10 किलोमीटर जाके वहाँ पे राउंड सर्कल आएगा, वहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, फिर सीधे जाना है। तो
मे बी इट्स ए कॉम्प्लिकेटेड, ये एक्सप्लेन करना भी आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सेकेंड थिंग, जो इसको जिसको आप बता रहे हो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग करना भी कॉम्प्लिकेटेड है। बट इफ़ यू ड्रॉ ए डायग्राम और ए पिक्चर और ए मैप, यू कैन ईजीली एक्सप्लेन द वे ऑफ द लांबा। सो एज द सेम फॉर द ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन जब ये ओल्ड एज में अगर हम जाते हैं ह्यूमन के ओल्ड एज में, तो उस समय ह्यूमन ने सबसे पहले कुछ भी राइटिंग में स्टडी नहीं सीखा, सबसे पहले ड्राइंग किया। सो दैट मीन्स ड्राइंग इज़ द इजीएस्ट वे टू लर्निंग। सो इन दिस एज द सेम कॉन्सेप्ट, वी प्रिपेयर ए ग्राफ एज द पिक्चर रिप्रेजेंट द डेटास, और जब डेटा जो है रिप्रेजेंट करता है पिक्चर वाइज, तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम जो भी डेटा जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो इजीली सभी के लिए अंडरस्टैंड हो जाए। सो दो चीज़ें होती है, एक तो रीडिंग करना नहीं पड़ता है, सीधे सीधे पैराग्राफ देखा और जो आपने क्वेश्चन पूछा सीधे आंसर दे सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा उसको रीडिंग स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पिक्चर जो है बहुत कुछ सीधे सीधे शो कर देता है। यहाँ पर अगर आपको सीधे हाईएस्ट पूछा है, तो जैसा कि आप ये बार ग्राफ देख रहे हो, हाईएस्ट अगर पूछा है तो सीधे सीधे मैक्सिमम पूछा है, तो आपको दिख रहा है कि बिल्डिंग सबसे बड़ी है, ये बार सबसे बड़ा है, तो हाईएस्ट बता दिए, तो आपको सभी का ऑब्जर्वेशन करने की या उसको कंपेयर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो इसी तरह से हमको यहाँ पे करना है, तो हम चलो करते हैं। तो इसके बाद अब हमारा आएगा इसका आंसर, तो देखते हैं डबल बार ग्राफ कैसे बनाता है। तो यहाँ पर मैंने बार ग्राफ बना के दिया हुआ है, आपको इसी को देख के कॉपी में बनाना है। सो स्केल हमने क्या लिया है, 1 cm = 10, बिकॉज हाईएस्ट मार्किंग जो है कोई भी टेस्ट में 100 से ज़्यादा नहीं होता है। सो हमारा 10 cm पे ये स्केल कंप्लीट हो जाएगा। फिर कलर यूज़ किया, आप कलर अगर नहीं यूज़ करना चाहते हो तो ऐसे बॉक्स दो बॉक्स बना दो, एक बॉक्स में ऐसी आड़ी वाली डिज़ाइन बना दो, एक बॉक्स में ऐसे डॉट डॉट वाली डिज़ाइन बना दो, तो आपके लिए जो इजीएस्ट हो ये आप यूज़ कर सकते हो। मतलब समझ में आ रहा है ना, जैसे ग्रीन और पिंक कलर यूज़ किया उसकी जगह आप कलर मत यूज़ करो, आप ऐसे डॉट बॉक्स बना के, यानी एक बॉक्स बनाए जिसमें ऐसे डॉट डॉट वाला यानी ग्रीन वाला बॉक्स में डॉट डॉट कर दो, और जो दूसरा पिंक वाला बॉक्स है उसमें ऐसे क्रॉस लाइनिंग करके आप डिज़ाइन करके यूज़ कर सकते हो। मतलब दोनों बार अलग अलग दिखे इसके लिए करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन था किस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इम्प्रूवमेंट है, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस, ये सब्जेक्ट है, सबसे हाईएस्ट मार्क कहाँ पर पहुँचा है, तो ये मैथ्स के सब्जेक्ट में हुआ है। सो ही हैज़ द मोस्ट इम्प्रूवमेंट इन मैथ सब्जेक्ट। और सबसे लोवेस्ट की बात करें तो सबसे लोवेस्ट किस में है आप देखो, तो इम्प्रूवमेंट मतलब समझ में आ रहा है ना, कंपेयर करना है हमको फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में, यहाँ पर गैप जो है बड़ा है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस गैप है, यहाँ पर सबसे कम डिफरेंस है। मतलब एसएस में सोशल साइंस में जो है इम्प्रूवमेंट कम है। आपको ये जो दो बार बने ना, ये दो बार को कंपेयर करके आंसर देने, क्वेश्चन 1 और 2 के। और क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा है, हिंदी सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस जो है वो कैसा हुआ है, तो उल्टा हिंदी सब्जेक्ट में आप देखोगे तो सभी में पिंक वाला जो है परफॉर्मेंस दूसरी साइड, ग्रीन के कंपेयर करो तो ऊपर जा रहा है, बट हिंदी में ये सेकेंड टर्म में परफॉर्मेंस डाउन हो गया है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यस, इन हिंदी सब्जेक्ट हिज परफॉर्मेंस गोन डाउन। क्वेश्चन 5 भी एज सेम है, फेवरेट स्पोर्ट पूछा हुआ है, क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलेट्स, वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग, ये दो अलग अलग कैटेगरी हमको चूज की गई है, इंफॉर्मेशन जो दी गई है उस पर से क्वेश्चन पूछा है, ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ choosing appropriate scale, what do you infer from the bar graph, इस बार ग्राफ से आप क्या इन्फॉर्म करते हैं, और दूसरा which sport is the most popular, कौन सा स्पोर्ट सबसे पॉपुलर है, थर्ड इज which is the most मोर प्रिफर्ड watching to participating in the sports, कौन सा ज़्यादा प्रीफर है। तो बार ग्राफ हमने सबसे पहले यहाँ पर देखो हाईएस्ट नंबर कितना है, 1240, अगर हम 10-10 का लें तो 1200 तक पहुंचने में हमको 1200 स्केल कम से कम लेना पड़ेगा सेंटीमीटर, इतना तो हमारे ग्राफ में आता नहीं है, हमारा इसका जो फुल स्केल नोटबुक है उसकी भी लेंथ इतनी नहीं होती। सो हम 1 यूनिट इक्वल टू कितना लेंगे, 100 लेंगे,
1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 यूनिट, तो 100 200 ऐसे करके हमको खाली 13 सेंटीमीटर तक पहुंचेंगे तो 1300 आ जाएगा और इस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्रिकेट है तो यहाँ पर क्रिकेट बनाया, फिर यहाँ पर बास्केटबॉल बनाया, स्विमिंग पूल और हॉकी एथलीट्स बनाते से मैं आपको ध्यान रखना है यहाँ पर नीचे भी 1 सेंटीमीटर होता है, पहला 1 सेंटीमीटर का ब्लैंक रखना है, खाली रखना है, फिर दूसरे 1 सेंटीमीटर पर आपको एक बार बनाना है जो वॉचिंग का होगा, फिर उसके एक और सेंटीमीटर पर पार्टिसिपेटिंग के लिए बार ग्राफ बनेगा, मतलब पहला 1 सेंटीमीटर छोड़ना है, फिर 2 सेंटीमीटर को कवर करके ग्राफ बनाना है, फिर 1 सेंटीमीटर ब्लैंक रखना है, फिर 2 सेंटीमीटर, इससे हमको क्या दिखेगा बार ग्राफ जो है उसके बीच में एकदम क्लियर डिफरेंस दिखेंगे कि कौन सा बार कौन से स्पॉट्स के लिए है। सेकेंड थिंग वॉचिंग वाला जो है 1240 अगर कर रहे हैं तो 1200 और उसके 1300 उसके बीच में कुछ अमाउंट पे हम कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत सिंपल होता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने बॉक्स हैं, सपोज करो 5 बॉक्स है आपके 1 सेंटीमीटर के अंदर 5 बॉक्स आ रहे हैं ग्राफ में, और ये ग्राफ जो है आपका 101 यूनिट लिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो आपको 100 से 5 से डिवाइड करना है, कितना आ गया 20, मतलब 1 बॉक्स इक्वल टू 20, तो यहाँ पर 40 लिया मतलब कितने बॉक्स लेना पड़ेगा आपको 2 बॉक्स। ये बॉक्स इसलिए बोल रहा हूँ ग्राफ पेपर लाकर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है उसे इजी आप ड्रॉ कर सकते हो, प्लेन पेपर पे ये करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। यूट्यूब में दूसरे और वीडियोस आपको अवेलेबल हो जाएंगे कि बार कैसे ग्राफ कैसे बनाया जाता है, बट हमने जैसा कि लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया हुआ है ग्राफ बनाना, तो आपको मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ऐसे ही हमने यहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेटिंग और वॉचिंग के स्पोर्ट्स कैटेगरी दी हुई है इनका बार ग्राफ बनाया, और अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। द बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द पर्सन हु आर वॉचिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द फेवरेट स्पोर्ट्स, ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा पर्सन वॉचिंग करता है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स को और कौन सा पार्टिसिपेट करता है, ये यानी दो कैटेगरी हमने यहाँ पर ली हुई है। फिर सेकेंड क्वेश्चन जो था विच स्पोर्ट इज़ द मोस्ट पॉपुलर, तो सबसे हाईएस्ट बार ग्राफ किसका गया है, क्रिकेट का। सो क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर वॉचिंग स्पोर्ट्स, अब यहाँ पे इन विच इज़ मोर प्रीफर्ड, आप कौन सा प्रीफर्ड करोगे वॉचिंग या फिर पार्टिसिपेटिंग, तो आप वॉचिंग स्पोर्ट्स अगर देखें तो ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि सब में वॉचिंग वाला ग्रीन का बार कंपेयर टू द पिंक से बड़ा है, तो आपका इजीली यहाँ पे आंसर दे सकते, देखा ये अगर आप ये नंबर्स पे देखने जाओगे ना तो पूरा आपको स्टडी करना पड़ेगा 1200 यहाँ पे ये सबका स्टडी, यहाँ ग्राफ देखा सीधे इजीली आप आंसर दे सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, टेक द डेटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटी इन द गिवन इन द बिगनिंग ऑफ द दिस चैप्टर, यहाँ पे स्टार्टिंग में एक बॉक्स बनाया हुआ था उस पर से हमने डेटा मैक्सिमम और मिनिमम का कैटेगरी लिया हुआ है। आप बुक में देखोगे ना तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक कॉलम बना के अलग अलग सिटीज़ का है, तो उसको मैंने यहाँ पर एक सम में कन्वर्ट कर दिया है आपके हेल्प के लिए, सीधे सीधे मैंने यहाँ पर किया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर और अलग अलग सिटी लिए अहमदाबाद अमृतसर बेंगलोर चेन्नई दिल्ली जयपुर जम्मू एंड मुंबई, और इनको हमको बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया हुआ, तो जैसा कि आप लोग पिछला स्टडी किए हो तो ये बार ग्राफ आप देख सके आराम से इजी बना सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 50 से ज़्यादा नहीं, इसलिए हमने स्केल लिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 20 30, यहाँ पर 10 भी नहीं लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 लिया है, तो देखो 5 के बाद यानी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर 10, फिर एक लाइन छोड़ना है, फिर 20, ऐसे करते हुए हम बार ग्राफ बनाए। बार ग्राफ बनाने के बाद में हम कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर देंगे। बीच सिटी हैज द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन द गिवन, तो ब्लू और ग्रीन यहाँ पे ग्रीन और पिंक में सबसे हाईएस्ट डिफरेंस किस में दिखता है, तो जम्मू कश्मीर का अगर देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन बहुत हाई है और पिंक जो है बहुत ज़्यादा लो है, तो जम्मू हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर और द गिवन डेटा, ये गिवन डेटा जो भी दिया है उसमें ये डिफरेंस देखने मिलता है। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर, सेकंड क्वेश्चन है, विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी और कोल्डेस्ट सिटी, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जिसमें होगा वो हॉटेस्ट हो गया और सबसे कोल्डेस्ट जो होगा वो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर,
तो अगर आप देखते हो कि बेंगलोर, तो बेंगलोर में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है 28 डिग्री और मिनिमम टेम्परेचर जो है दो सिटी का है, एक तो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर 28 डिग्री, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ टू सिटीज हुज मिनिमम टेम्परेचर इज हायर देन द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ बेंगलोर आर अहमदाबाद एंड जयपुर। अहमदाबाद और जयपुर में दूसरी दो सिटी है जिसका टेम्परेचर जो है वो 28 से भी क्या है ज़्यादा, यानी 29। मुंबई हैज़ द लीस्ट डिफरेंस इन द टेम्परेचर, मुंबई में डिफरेंस जो है वो कम आ रहा है। तो ये बार ग्राफ में जो क्वेश्चन दिए ना उनके आंसर यहाँ पे साइड में मैंने करके दिए हैं। तो टेम्परेचर में डिफरेंस आप देख सकते हो कि मैक्सिमम 32 और 27 दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा। सो इस तरह से ये चैप्टर का ये सभी सम कंप्लीट होते हैं। जो भी आपका इनकम्प्लीट रहेगा वो आपको खुद करना है। डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं 32 माइनस 27 और 5 डिग्री का ये आ गया। सो यहाँ पर आपका एक्सरसाइज